नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, अभी कुछ ही समय हुआ है हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को बंद कर दिए जाने का ऐलान किया है। 2000 के नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर है और बैंकों में एक्सेप्ट किए जाएंगे, लेकिन 30 सितंबर को काफी समय बाकी है। उसके बावजूद आज से अभी से लोगों को किस तरह से अपने नोट बैंक में जमा करने को परेशानी होती है, इसका एक उदाहरण वसई में देखने को मिला। वैसे कई जगह से दबी दबी जुबान में इस तरह की बातें सामने आ रही है कि जहां पर लोग 2000 का नोट अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वसई में एक पेट्रोल पंप का भी यह मामला सामने आया था, जहां मलसे के एक पदाधिकारी ने वो मामला उठाया था। अब जो ताजा मामला है वो बैंक का ही है, और ये बैंक है यस बैंक, जो कि एक बड़े बैंकों में शुमार बैंक है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि वसई पश्चिम की जैन शॉप के संचालक निखिल जैन बैंक में जाते हैं और बैंक में जाकर 2000 के नोट वहां डिपॉजिट करते हैं अपने करंट अकाउंट में। तब तो बैंक द्वारा वो 2000 के नोट ले लिए जाते हैं, लेकिन बाद में उनके मोबाइल पर मैसेज जाता है कि आप ऑफिस में आइए, बैंक में आइए। और जब दोबारा बैंक में जाते हैं तो उनसे उनका आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड के लिए जब ये निखिल जैन सवाल पूछते हैं कि कहां सरकारी रेगुलेशन में या जीआर में इस तरह की बात कही गई है कि करंट अकाउंट में अगर पैसा डाल रहे हैं तो वहां पर आपको आधार कार्ड की जरूरत है, ऐसा मुझे रूल्स दिखाइए, तो बैंक कर्मचारी और रूल्स दिखाने की जगह मारपीट पर उतर हो जाते, यह आरोप लगाया निखिल जैन ने। निखिल जैन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से एक वीडियो और कुछ फोटो ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि यस बैंक में उन्होंने जब सवाल किया कि आधार कार्ड कहां मैंडेटरी है, और क्योंकि यह सवाल उनका ऑन कैमरा था तो कहीं ना कहीं ऑन कैमरा जब सवाल कर रहे थे तो बैंक कर्मी उन्हें रोकने लगे कि आप यहां शूटिंग नहीं कर सकते, और इसी बीच वाद विवाद में बैंक कर्मियों द्वारा इनको धक्का मुक्की की गई। धक्का मुक्की करके बैंक से बाहर निकाला गया और साथ ही साथ इनका चश्मा और टोपी फेंक दिए गए, कुचल दिए गए। चश्मे की हालत टूटी हुई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह आरोप है निखिल जैन के। अब इन आरोपों की कितनी सच्चाई है इसकी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी पहलू को सिर्फ एक पक्ष जानकर हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन निखिल जैन ने जब आरोप लगाया तब कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो सच्चाई रही होगी, और साथ ही साथ कुछ मीडिया चैनल ने निखिल जैन की इस घटना को रिपोर्ट किया तब उन्होंने यस बैंक से बात करने की कोशिश की तो यस बैंक ने उनको ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं निखिल जैन ने अपनी यह शिकायत संबंधित विभागों को, बैंक को, आरबीआई को, और यहां तक कि सूत्रों के हवाले से ऐसी भी जानकारी आई कि मणिकपुर पुलिस स्टेशन को भी दी है। अब देखा जाएगा कि इस मामले में क्या कुछ होगा। अब सवाल यही है कि जब 2000 के नोट केंद्र सरकार बोलती है कि 30 सितंबर तक लीगल टेंडर है, उनको लेने के लिए मना नहीं किया जा सकता है, तो अभी से इस तरह से नोट बदलने में अगर लोगों को परेशानी आएगी तो क्या इसको हम नोटबंदी एक की पुनरावृत्ति समझे? इसका जब ऐलान किया गया था कुछ थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन बाजार में जिस तरह से 2000 के नोट को लेकर आज लोगों की मनोदशा हो गई है, शायद आने वाले समय में काफी कुछ लोगों को तकलीफें उठानी पड़ सकती है। हालांकि आरबीआई ने और सरकार ने यह साफ तौर पर निर्देश दिए हुए कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो 2000 का नोट बदलियां करवाने आता है या अकाउंट में डिपॉजिट करने आता है उसे किसी तरह का त्रास नहीं दिया जाना चाहिए, किसी तरह की परेशानी बैंकों द्वारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो घटना सामने आई है
इसका मेन कारण ही 2000 का नोट बताया जा रहा है। तो देखिए इस घटना का यह छोटा सा वीडियो जो निखिल जैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मुझे बोलिए कि आप डिपॉजिट नहीं ले रहे हो, बोलिए ना सर, कार्तिक सर। और क्या है मैडम, बरका मैडम, मुझे जानना है आप मुझे लेटर दिखा रहे हो। एक सेकंड, यू कैन नॉट टच माय फोन, यू कैन नॉट, यू टेल मी ना, यू विल नॉट टेक द डिपॉजिट। यू रिकॉर्डिंग बंद है सर। ठीक है, अमोल, अमोल देख, तू जानता है मुझे। एक सेकंड, यू आर फाइटिंग सर, यू आर फाइटिंग। कोई भी हाथ लगाएगा तो देख लेना, ठीक है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर